हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम PHP को यूज़ किया हुआ है और बैकएंड में हमारे पास MySQL डेटाबेस है, ठीक है। और सभी डेटा हमारा MySQL मतलब बैकएंड डेटाबेस के अंदर स्टोर होएगा, ठीक है। इसके अंदर दो मॉड्यूल्स, एक हमारा एडमिन मॉड्यूल है और एक हमारा नॉर्मल यूज़र इंटरफेस है। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस रहेगा और ये हमारा रहेगा एडमिन पैनल। सो हम फर्स्ट एडमिन पैनल को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। एडमिन पैनल को लॉगिन करने के बाद तो हमारा ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। एडमिन पैनल के पास सारी अथॉरिटी होगी कि वो कौन सा कोर्स ऐड कर सकता है, कौन सा टेस्ट किसी स्टार्ट कर सकता है, कौन से यूज़र्स को देख सकता है। तो यहाँ पर उसके पास सभी अथॉरिटीज़ है। सो फर्स्ट हम एडमिन पैनल को नहीं देखते, हम फर्स्ट यूज़र इंटरफेस को चेक करते हैं। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इन के लिए ऑप्शन है। अगर हमारे पास IDs नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो हम नया यूज़र्स को साइन इन करेंगे। सो लाइक हम फर्स्ट अपने नेम से स्टार्ट कर देते हैं और ये हमारा यूज़र है, ये मेल कॉलेज एंटर कॉलेज नेम XYM XMA, ठीक है। ईमेल आईडी हम लिख देते हैं इसके अंदर test@gmail.com एंड नंबर होगा हमारे यहाँ पे 123 123 123 1। पासवर्ड भी हमने इसको लिया टेस्ट एंड टेस्ट। सो ये हमारी ईमेल आईडी रहेगी, ये हमारा पासवर्ड रहेगा और हम इसको साइन पासवर्ड मस्ट बी द 5 कैरेक्टर। पासवर्ड हमारा 5 कैरेक्टर तक होना चाहिए। सो 1 2 3 4 5। ओप्स, कुछ एरर आ गया इसके अंदर। सो लेट चेक, आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है, आई थिंक। ओके, रिसीव टेस्ट एट द रेट के जीमेल .com। ओके, एंड ये हो जाएगा हमारा 7987987871, ठीक है। एंड कॉलेज का नेम भी होगा MXA, ठीक है। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ ओके, अब इसके अंदर हम लॉगिन कर चुके हैं क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो उस वजह से उसने एरर दिया था हमें। तो अब हमारे पास ये हमारा क्या है, ये यूज़र्स की स्क्रीन दिखेगी यहाँ पे उसको, ठीक है। वो क्या कर सकता है, तो लाइक अभी उसके पास 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 6 टेस्ट केसेस स्किल्स है, तो इनमें से कोई भी टेस्ट दे सकता है। हिस्ट्री उसके पास अभी कुछ हिस्ट्री नहीं हो क्योंकि उसने कोई टेस्ट नहीं दिया है। रैंक उसके भी कोई रैंक भी नहीं हो क्योंकि उसने भी कोई रैंक नहीं, ये ऑलरेडी मैंने यूज़ किया था, ये अभी का नहीं है, ठीक है। अभी हमारी रैंक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन है, यहाँ पे एंटर कुछ हमें सर्च करना होगा, जस्ट लाइक लिनक्स। ओके, आई थिंक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम डाल सकते हैं ये। ओके, तो इसको छोड़ देते हैं सर्च को। आई थिंक इसमें कुछ और डालना पड़ेगा हमें, लाइक नेम और टेस्ट सीक्वेंस टैग। इट्स आस्किंग फॉर द टैग। सो हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को, लाइक C++ PHP का टेस्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट के लिए इनमें से कोई भी अभी रैंडमली इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर दो ही क्वेश्चन थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 थे, एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है। तो हमारा स्कोर कितना रहा, 1। ओवरऑल स्कोर भी हमारा 1 रहा। हिस्ट्री में जाके हमने एक टेस्ट दिया है, ठीक है। रैंक में हमारा ये आ गया लास्ट, 1 रैंक है। हम दूसरा टेस्ट स्टार्ट करते हैं, लाइक जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन हो, लाइक ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी हमने ऐसे रैंडमली फिल कर देंगे। ओके एंड ओके ओके एंड लास्ट वन इज ओके। इसके अंदर हमने 5 क्वेश्चन थे, करेक्ट हमारे 2 हुए हैं और इनकरेक्ट हमारे 3 हो चुके हैं। स्कोर हमारा 1 हुआ है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन का स्कोर जो है 1 हुआ है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग। फिर हम रैंकिंग पे जाएंगे, तो ये हमारी रैंकिंग रही इस नेम पर, ठीक है। ओके, और हिस्ट्री में हम 2 टेस्ट दे चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम और जो टेस्ट हम दे चुके होंगे उनके उनका जो कलर होगा वो चेंज हो चुका होगा, रेड कलर हो चुका होगा। तो यहाँ रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, अगर हम रिस्टार्ट करेंगे तो फिर से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और फिर से हम ऐसे सबमिट करके। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव में स्कोर 2 चला गया है और एक हमारा करेक्ट चला चुका है। तो रैंकिंग में आप चेक करेंगे तो अब ऑलरेडी हम रैंक -1 में जा चुके हैं और हिस्ट्री के अंदर हमारे 2 ही टेस्ट हुए हैं, वो उसने रिसेट कर दिया है। ओके, तो ये हमारा इंटरफेस टेस्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे 6 टेस्ट दिख रहे हैं।
अगर एडमिन चाहे तो अब इसको बढ़ा सकता है और या फिर टेस्ट कम कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम एडमिन पैनल पर जा रहे हैं। सो एडमिन पैनल के लिए हम जाएंगे, जैसे एडमिन पहले हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था, अगर हम नहीं किया हुआ तो हम यहाँ से इसको दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। लाइक एडमिन के लिए हम, ये हमारा एडमिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड 345। ओके, नाउ एडमिन पैनल लॉगिन हो चुका है। और एडमिन लॉगिन, तो यहाँ पर हम यूज़र्स देख सकते हैं कितने यूज़र्स हैं हमारे पास। ठीक है, और हम जिसको चाहे उसमें डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक कि लास्ट जो हमने भी यूज़ किया है ये यूज़र्स वो है। ठीक है, फीडबैक फॉर्म भी है अगर कोई फीडबैक देना चाहे। क्यूज़, ऐड क्यूज़, रिमूव क्यूज़, अगर हम यहाँ पे क्यूज़ ऐड करना चाह रहे कोई, तो यहाँ पे हम एंटर टैग फॉर सर्चिंग, ये टैग्स थे जो हम सर्चिंग के लिए यूज़ करेंगे, जो यूज़र सर्च कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये टैग्स यूज़ होंगे। या फिर रिमूव, अगर हमें कोई सी भी इनमें से टेस्ट क्यूज़ को रिमूव करना है तो हम यहाँ रिमूव कर सकते हैं। रैंकिंग देखना चाहे, रैंकिंग ये हो गया, यूज़र्स कितने हैं हमारे पास, तो हम यूज़र्स को देख सकते हैं यहाँ पे। लाइक हमारे पास अभी कितने हैं, 10 यूज़र्स हैं। तो लास्ट एक यूज़र्स को अगर हम चाहे रिमूव करना, तो लाइक दिस वन जो हमने अभी क्रिएट किया है, हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो उसकी रैंकिंग भी वहाँ से रिमूव हो जाएगी। लाइक अब 5 यूज़र्स बचे हैं और वो ऑलरेडी हमने साइन किया हुआ था, इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसकी ऑलरेडी रैंकिंग जा चुकी है। और ये यूज़र साइन आउट करने का, साइन इन करेंगे तो इसको इनवैलिड डिटेल दे देगा फिर ये हमें, वो हमने रिमूव कर दिया उसको। तो ये हमारा टेस्ट से रिलेटेड पूरा ओवरऑल। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जाके। और या फिर अगर इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन आपको कराना है तो जितने यूज़र्स हैं उनको सभी को डिलीट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये हमारे सभी यूज़र्स डिलीट हो चुके होंगे, रैंक भी हमारे कम हो चुके हैं। और फीडबैक फॉर्म में कहाँ पे आएगा हमारा फीडबैक फॉर्म? फीडबैक फॉर्म हमारा ये रहा, लाइक दिस। तो हम अपना नेम डालते हैं, RIS टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, ईमेल टेस्ट @gmail, नाइस वर्क, ओके, एंड सबमिट किया हमने, थैंक यू फॉर फीडबैक। तो ये भी फीडबैक फॉर्म हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अभी 8 हो चुके हैं। ठीक है, तो लाइक ये हमारे अभी सबमिट किया है। ठीक है, अब इसको ये सेव भी हो जाएगा हमारे यहाँ से। सो ये हमारा पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट था टेस्ट मैनेजमेंट का, इसके अंदर आप टेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हो। सो ये डेट है जिसने कमेंट किया है, अगर हम इसको देखना चाह रहे हैं तो ये गुड साइट है, यहाँ पे अगर इसको देखना चाह रहे हैं तो ये सभी की डिटेल्स आ जाएगी जो जो उस कमेंट में लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एक बारी। और डाउनलोड करने के लिए प्रोजेक्ट को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर